दोस्तों, समुद्र के आसपास या फिर समुद्र में रहने वाले लोग इस बात से पूरी तरह से खबरदार होते हैं कि उनको कभी भी किसी भी हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि समुद्र एक ऐसी जगह है जहां कोई किसी का स्वागत नहीं करता। आपको अपनी बोट का ख्याल रखना पड़ता है, हवाओं की दिशा को देखना पड़ता है, और किस्मत बुरी हो तो कोई तूफान भी आपको वहां मिल सकता है, और एक छोटी सी गलती जान जाने का कारण बन सकती है। और जो लोग समुद्र में गुम हुए, उनकी दर्दनाक मौतों की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये है कि वहाँ हमें कभी भी समय पर ताजा पानी और खाने को खाना नहीं मिल पाता। और आज की वीडियो में मैं आपको दो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूँ जिसमें लोग चमत्कारिक रूप से समुद्र में जिंदा पाए गए। इंडोनेशिया के ज्यादातर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए रोमपोंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का तैरता हुआ जाल है जिसमें ना कोई बिजली होती है और ना ही कोई इंजन होता है। एक रोमपोंग पर एक नाविक सवार होता है। वो पूरा महीना अकेला उस रोमपोंग पर बैठता है। दिन के समय में वो जाल से मछलियां पकड़ता है और रात के समय में लैंप जलाकर मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और समय के साथ उसके घर वाले उस तक पीने के लिए पानी और खाना पहुंचा देते हैं। और ऐसे ही 18 साल के एक लड़के ने, जिसका नाम एल्डी नदार था, इंडोनेशिया के तट से रोमपोंग पर पूरे 6 महीने अकेले बिताने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जुलाई के बीच में वो तट से लगभग 77 किलोमीटर दूर था। उसे मछली पकड़ने का 2 साल का अनुभव था क्योंकि वो 16 साल की उम्र से ही मछली पकड़ने लग गया था। लेकिन जुलाई के बीच में एक दिन उसके रोमपोंग को एक तेज हवा अपने साथ बहा कर ले गई। तो सोचा भी नहीं होगा कि अगले 49 दिन उसे ऐसे ही खुले समुद्र में अकेले बिताने होंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लड़का खुले समुद्र में हिचकोले खाता हुआ इधर उधर जा रहा था। उसने कई किलोमीटर दूर कई बड़े जहाजों को आते जाते वहां देखा, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में बैठे लोग उसे नहीं देख पाए। उसके पास बहुत कम खाना और पानी बचा था। इसके बाद उसने खुद के लिए मछली पकड़ना शुरू किया, और जब उसके पास मछली पकाने के लिए फ्यूल नहीं बचा तो उसने रोमपोंग से ही लकड़ियां तोड़कर जलाना शुरू कर दिया। और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी के लिए इंतजाम करना। उसके हालात ऐसे थे कि वो दिन में 3 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पी सकता था। उसने समुद्र के पानी को अपने कपड़ों से कई बार फिल्टर किया जिससे कुछ हद तक उसमें से नमक निकल भी गया। वो बस उम्मीद लेकर रोता रहता था कि कोई उसे बचाने जरूर आएगा। और 31 अगस्त 2018 को एक चमत्कार हुआ। उसके रोमपोंग पर लगे इमरजेंसी रेडियो सिग्नल्स एक संस्था जिसका नाम एपर्जियो है, उन्होंने पकड़ लिए। और वो संस्था वहां से 1300 किलोमीटर दूर थी जिस जगह लड़का फंसा हुआ था। लेकिन फिर भी उसे बचाया गया। पहनने के लिए कपड़े और पीने के लिए पानी दिया गया। उसके बाद उसे जापान लाया गया और वहां से फिर इंडोनेशिया भेजा गया। इस पूरी घटना के बाद एलडी ने कहा कि वो कभी भी समुद्र में इतनी अंदर मछली पकड़ने नहीं जाएगा। हमारी अगली घटना थोड़े लंबे समय पहले हुई। 1982 में हुई इस घटना को लोग आज भी याद करते हैं। स्टीव एक अमेरिकन मछुआरे हैं और अपनी 30 साल की उम्र में उन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार करने की सोची, लेकिन जैसे उन्होंने प्लान बनाया था वैसा कुछ नहीं हुआ। असल में स्टीव के जाने का रूट कुछ इस तरह का था। सफर की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, किसी को कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन बीच रास्ते में अकेले स्टीव के सामने एक तूफान ने दस्तक दी। 29 जनवरी को स्टीव ने अपनी यात्रा शुरू करी और 4 फरवरी को उनकी बोट पानी में डूब चुकी थी। लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अपनी बोट से स्टीव लाइफ बोट को निकालने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही उन्होंने एक इमरजेंसी किट भी अपने साथ ले ली। लेकिन अभी सबसे बुरा समय उनके सामने आना बाकी था। वो पूरे समुद्र में एक छोटी सी लाइफ बोट में बिल्कुल अकेले थे। उनके पास एक इमरजेंसी रेडियो सिस्टम था, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर की ही थी। लेकिन वो तो सबसे पास के तट से ही 550 किलोमीटर दूर थे। तट पर मौजूद लोगों ने मान लिया कि स्टीव अब नहीं रहे, और वहां स्टीव ने खुद को कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 76 दिन तक जिंदा रखा। उन्होंने पीने के पानी के लिए सोलर सिस्टम का इंतजाम किया। उनको दिन में 4 बार अपनी बोट में हवा भरनी पड़ती थी। बदकिस्मती से कई बार शार्क्स भी उनके बोट के आसपास घूमती हुई उन्होंने देखी। किस्मत से 2 हफ्ते लाइफ बोट पर रुकने के बाद उनको अपनी पहली मछली खाने को मिली, लेकिन उन्होंने उस मछली को कच्चा खाया क्योंकि पकाने का कोई साधन उनके पास नहीं था। लेकिन स्टीव को पता था कि अगर वो दिमाग से हार मान गए तो उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ देगा। इसके लिए वो हर रोज खाली समय में एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 76वें दिन। स्टीव को ग्वाडालूपे के मछुआरों ने देखा और उनको बचाया, और जब उनको बचाया गया तब उनका वजन सिर्फ 32 किलो का था।
ये दोनों कहानियाँ हमें बताती हैं कि कई बार लोग ऐसी हिम्मत दिखाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हमें हमारी हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए। क्या पता कब किसकी किस्मत खुल जाए। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे बुरी कहानी किसकी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।